हेलो एंड वेलकम बैक टू क्लैरी कॉन्सेप्ट्स। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म एंड ग्राशॉफ्स लॉ विच इज़ यूज्ड इन फोर बार मैकेनिज्म। व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म? इट इज़ अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म्स बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स वन एट अ टाइम इन अ काइनेमेटिक चेन इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म। दोस्तों, हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा था कि अगर कोई काइनेमेटिक चेन है उसमें अगर हम एक लिंक को फिक्स कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं मैकेनिज्म। अभी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म, मतलब इसमें हम अलग अलग लिंक्स को फिक्स करेंगे, एक बार में एक ही लिंक फिक्स करेंगे, दैट मीन्स वन एट अ टाइम। तो वो जो भी इन्वर्जन या जो भी मोशन हमें मिलेगा उसको हम बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये फोर बार चेन है। मैं चेन क्यों बोल रहा हूँ इसको? क्योंकि कोई भी लिंक फिक्स नहीं है अभी यहाँ पे। तो जैसे ही मैं एक एक लिंक फिक्स करते जाऊँगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिंक फिक्स है तो मैं इसे बोल दूंगा दिस इज इन्वर्जन वन, सेकेंड लिंक फिक्स है तो इन्वर्जन नंबर टू, थर्ड लिंक फिक्स है तो इन्वर्जन नंबर थ्री, एंड सिमिलरली फोर्थ लिंक फिक्स है तो इन्वर्जन नंबर फोर, राइट? तो ऐसा हमें क्यों करना है? क्योंकि अलग अलग लिंक्स फिक्स करके हमें अलग अलग इनपुट और आउटपुट मोशन मिलने के चांसेस हैं। तो हमें अब आने वाले स्लाइड्स में ये देखना है कि ये अलग अलग लिंक्स फिक्स करने के बाद मुझे कौन से मोशंस मिलने वाले हैं। तो चलिए वो देखते हैं। दोस्तों, मोशन समझने से पहले हमें ग्राशॉफ्स लॉ को पढ़ना जरूरी है। ग्राशॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट हम अभी देख लेते हैं। वो स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ फोर बार मैकेनिज्म पे लागू होता है। तो पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर अ फोर बार मैकेनिज्म टू हैव एटलीस्ट वन रिवॉल्विंग लिंक, जिसको हम क्रैंक भी बोलते हैं, आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अलग से, देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट लिंक्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर लिंक्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बहुत आसान है। S प्लस L लेस देन और इक्वल टू P प्लस Q, दिस इज द ग्राशॉफ्स लॉ। और व्हाट इज S, L, P, Q? L इज लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट लिंक, L इज लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट लिंक, एंड P एंड Q लेंथ ऑफ द अदर टू लिंक्स। तो यहाँ पे फोर बार मैकेनिज्म आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे यू कैन सी S, L, P एंड Q, ये क्या है दोस्तों? ये है लेंथ ऑफ दीज लिंक्स। अब ये जो P और Q है, इनकी जो लेंथ है वो शॉर्टेस्ट से ज्यादा है लेकिन लॉन्गेस्ट से कम है, इसलिए हमने इसको बोला है कि लेंथ ऑफ द अदर टू लिंक्स। ये तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बाद होता क्या है? तो ये स्टेटमेंट में जो पहली लाइन है दोस्तों, टू हैव एटलीस्ट वन रिवॉल्विंग लिंक, तो ये चारों लिंक में से कोई एक लिंक को एटलीस्ट हम 360 डिग्री रिवॉल्व कर पाएंगे। कब? जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और ऐसा क्यों चाहिए हमें दोस्तों? क्योंकि अगर मैं कोई एक लिंक को 360 डिग्री रिवॉल्व कर पाऊं तो मैं उसको इनपुट मोशन थ्रू मोटर दे पाऊंगा। मोटर का आउटपुट होता है कंटिन्यूअस रिवोल्यूशन 360 डिग्री, राइट? और अपने मैकेनिज्म में अगर ऐसी एक भी लिंक नहीं है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है या कम जगह पे वो काम आएगी। क्लियर? दोस्तों, अभी जो अलग अलग लिंक्स हम फिक्स करने वाले हैं, वो फिक्स करने के बाद हमें कौन से मोशंस मिलेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन वेदर शॉर्टेस्ट लिंक S इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड बाय वन एंड, टू एंड और नो एंड, इसका मैं अलग से इंपॉर्टेंस बताऊंगा और इसको एक्सप्लेन करूंगा। दीज आर थ्री पॉसिबल मोशंस ऑफ अ मैकेनिज्म। पॉसिबल मोशंस को मतलब हम इन्वर्जन्स भी बोलेंगे। तो कौन से है पॉसिबल मोशंस? जब हम शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा, अपोजिट टू शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर सकते हैं। और तीसरा, एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स कर सकते हैं। तो ये है तीनों तीन फोर बार मैकेनिज्म। तो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो शॉर्टेस्ट है उसको हमने फिक्स किया है। सेकेंड में अपोजिट टू शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट कहाँ पे है? दिस इज द शॉर्टेस्ट।
इसके अपोजिट वाली जो भी लिंक होगी उसको फिक्स किया है दोस्तों हमने। और फाइनली एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट, मतलब यहां देख रहे हो आप, ये शॉर्टेस्ट लिंक है बट वो फिक्स नहीं है, उसके एडजेसेंट लिंक है वो फिक्स की हुई है। ठीक है, तो ये जो वन एंड टू एंड और नो एंड है इसका मतलब क्या है, यहां पे आप देख रहे हो शॉर्टेस्ट लिंक का एक एंड फिक्स है, टू एंड फिक्स मतलब फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो शॉर्टेस्ट का दोनों एंड फिक्स है, और नो एंड मतलब सेकेंड फिगर में शॉर्टेस्ट का एक भी एंड फिक्स नहीं है दोस्तों। तो अभी हमें ये देखना है कि ये तीनों क्राइटेरियाज में मुझे इनपुट और आउटपुट मोशन कौन सा मिलने वाला है। तो देखते हैं दोस्तों इसको थ्रू एनिमेशन। इसके पहले एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि क्रैंक ऐसी लिंक होती है विच मेक्स कंप्लीट रिवोल्यूशन, ठीक है, 360 डिग्री रिवोल्यूशन, और जो लिंक ऑसिलेट करती है सिर्फ, दैट मीन्स फुल रिवोल्यूशन नहीं करेगी, उसको हम बोलने वाले हैं रॉकर या लीवर, राइट। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड। तो यहां देख सकते हो आप शॉर्टेस्ट लिंक हमने फिक्स की है ये मैकेनिज्म में, दोनों ही दोस्तों सेम ही मैकेनिज्म है, ये एक लाइन डायग्राम है और ये 3D में शो करने का ट्राई किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे हमें, अगर मैं इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक को ऑब्जर्व करूं तो आपको एक पाथ दिख रहा है, सर्कुलर पाथ, दैट मीन्स वॉट, दोनों ही इनपुट और आउटपुट लिंक 360 डिग्री रिवॉल्व कर रहे हैं। तो मैं इसको बोल दूंगा कि दिस इज अ क्रैंक मैकेनिज्म, और मैं इसको बोल सकता हूं डबल क्रैंक मैकेनिज्म, या इसको शॉर्ट में CC ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल होता है, फर्स्ट कंडीशन कौन सी, ग्राशॉफ्स लॉ सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट मीन्स शॉर्टेस्ट प्लस लॉन्गेस्ट लेस देन और इक्वल टू पी प्लस क्यू। सेकेंड कंडीशन, इसी में से शॉर्टेस्ट लिंक को फिक्स करना है दोस्तों, नंबर वन ये, तो हमें मिलेगा मैकेनिज्म विच इज क्रैंक और डबल क्रैंक। सेकेंड देखते हैं दोस्तों, अपोजिट टू शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड। अब अपोजिट टू शॉर्टेस्ट मतलब आप देख रहे हो कि ये जो ग्रीन लिंक है ये है हमारी शॉर्टेस्ट लिंक लाइन डायग्राम में, और यहाँ पे 3D डायग्राम में आप देख रहे हो ये है हमारी शॉर्टेस्ट लिंक। तो इन दोनों केस में फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ये दोनों ही सेम ही मैकेनिज्म्स है, राइट। इसके अपोजिट जो लिंक है वो फिक्स है, वो फ्रेम है यहाँ पे, विच इज नॉट मूवेबल। यहाँ पे जो ब्लैक कलर की लिंक है ये फिक्स है। तो इस टाइम पे कौन सा मोशन दिख रहा है हमें दोनों ही लिंक्स में, दोनों में से एक भी लिंक, दोनों मतलब इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट इज रेड आउटपुट इज ब्लू, तो एक भी लिंक क्रैंक नहीं है, दैट मीन्स 360 रिवोल्यूशन नहीं है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, रॉकर मैकेनिज्म या डबल रॉकर मैकेनिज्म या डबल लीवर मैकेनिज्म या लीवर मैकेनिज्म, कुछ भी हम बोल सकते हैं दोस्तों, राइट। थर्ड में देख लेते हैं, एडजेसेंट टू शॉर्टेस्ट लिंक इज फिक्स्ड। अब एडजेसेंट मतलब जो शॉर्टेस्ट लिंक है उसके एडजेसेंट की लिंक हमने फिक्स की है दोस्तों। यहाँ पे ये जो लिंक मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये है हमारी शॉर्टेस्ट लिंक, इसके एडजेसेंट वाली लिंक हमने फिक्स की है, यहां दिखाना है। तो जो रोटेट कर रही है विच इज अवर शॉर्टेस्ट लिंक, उसके एडजेसेंट वाली जो लिंक है उसको हमने फिक्स करके रखा है। तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है हमें, हमें दिख रहा है क्लियरली कि इनपुट इज एक्टिंग एज अ क्रैंक, मतलब 360 डिग्री रिवोल्यूशन है, और आउटपुट लिंक इज एक्टिंग एज अ रॉकर, मतलब ये सिर्फ ऑसिलेट हो रहा है दो पॉइंट्स के बीच में, पूरा का पूरा रोटेट नहीं हो रहा है। तो इसको मैं बोलूंगा दिस इज अ क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म या क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, या शॉर्ट में लिखना है तो CR मैकेनिज्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू अगेन।